इतने दिवस हो गए, चारों ओर वानर सेना फैल चुकी है, किंतु अभी तक माता सीता के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ है। न जाने माता सीता कहाँ होंगी, किस दशा में होंगी। एक माह के भीतर ही हमें ये कार्य पूर्ण करना है, अन्यथा हमें मृत्यु दंड से कोई नहीं बचा पाएगा। एक माह के भीतर कार्य को संपन्न करके लौटना है तुम्हें, किंतु स्मरण रहे, असफलता का अर्थ है मृत्यु दंड। कहीं सुग्रीव काका ने मुझे दक्षिण दिशा में इसलिए तो नहीं भेजा ताकि मैं असफल हो जाऊं और उन्हें मुझे मृत्यु दंड देने का कारण मिल जाए। अंगद पुत्र, ऐसा विचार तुम्हारे मन में आया भी कैसे? कहीं बावले तो नहीं हो गए हो तुम? आपको ज्ञात नहीं है काका जामवन जी, मेरे पिताश्री महाबली वाली का रूप दिखाई देता है सुग्रीव काका जी को मुझ में। मुझे देखते ही असुरक्षा की भावना जागृत हो जाती होगी उनके मन में। इतने दिनों से भूखे प्यासे भटकने से तुम्हारा मन विचलित हो गया है पुत्र, इसीलिए ऐसे को विचार आ रहे हैं तुम्हारे मन में। नहीं काका, सुग्रीव जी ने सबके दबाव में आकर मुझे युवराज तो बना दिया, किंतु उन्हें भय लगा रहता है कहीं मैं उनका राज सिंहासन न छीन लूं। उन्होंने मेरे प्राण हरने के लिए ही ये सब किया है। वापस जाकर मृत्यु दंड पाने से तो अच्छा है मैं यही अपने प्राण त्याग दूं। हाँ, हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। हाँ अंगद जी, प्राण त्याग देंगे हम लोग। हम भी आपके साथ अपने प्राण त्याग देंगे। हम भी आपके साथ अपने प्राण त्याग देंगे। हम भी आपके साथ अपने प्राण त्याग देंगे। मैं इस शिला को अपने ऊपर फेंक कर अपनी जीवन लीला यही समाप्त कर लूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते अंगद। हाँ अंगद जी, हम भी अपने प्राण आपके साथ त्याग देंगे। हाँ अंगद जी, हम भी अपने प्राण आपके साथ त्याग देंगे। हाँ अंगद जी, हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। ऐसे भयभीत होकर जीने से अच्छा है हम मृत्यु को गले लगा ले। अब हमें नहीं जीना है अंगद जी, मुझे भी अपनी जीवन लीला समाप्त करनी है। हम भी अपने प्राण नहीं, ऐसा मत करो, तुम सब बावले हो गए हो क्या? कोई भी अपने प्राण नहीं त्यागेगा। हमें अपने प्राण त्यागने से मत रोकिए जामवंत काका श्री। हनुमान शेख राव, हनुमान हनुमान शेख राव, हनुमान हनुमान। जामवंत मामा, मैं बहुत आगे निकल आया उन सब से। ये युवराज अंगद क्या कर रहे हैं? अंगद ऐसा मत करो पुत्र, रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ, ऐसा मत करो।
ये क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रहे थे ऐसा? युवराज अंगद, ये क्या हो गया था तुम्हें? क्या कर रहे थे तुम? क्यों कर रहे थे तुम ऐसा? मैं नहीं चाहता था कि मैं असफल होकर वापस लौटूं और सुग्रीव काका मुझे मृत्यु दंड दे दें। नहीं अंगद, छोटे से संकट से विचलित होकर तुम जैसा योद्धा ऐसे हार मान ले, इतने भीरू तो नहीं हो सकते तुम। बस कुछ दिनों की भूख प्यास ने इतना विचलित कर दिया तुम सबको कि अपने प्राण त्यागने की ठान बैठे। भ्राता सुग्रीव को दृढ़ विश्वास था कि माता सीता दक्षिण में ही कहीं हो सकती हैं, इसीलिए उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ वीरों को इस ओर भेजा, और वो भी तुम्हारे बल पर विश्वास करके अंगद। किंतु असफल होकर लौटने पर उन्होंने हमें मृत्यु दंड दे दिया तो? निराश मत हो मित्र, निराशा निकट आती हुई विजय को भी पराजय में परिवर्तित कर देती है। बहुत बड़ी आशा है उन्हें हम सबसे, और यदि तुम सबने इस प्रकार अपने प्राण त्याग दिए तो अवश्य ही भ्राता सुग्रीव भी विषादग्रस्त होकर अपने प्राण त्याग देंगे। इन व्यर्थ की बातों में समय मत गवाओ हनुमान, हमें शीघ्र चलकर माता सीता को ढूंढना है। हमें पुनः माता सीता को ढूंढना आरंभ करना चाहिए। क्षमा करें मुझे, आप सबके नेतृत्व का दायित्व मुझे सौंपा गया था, किंतु मैं अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो गया था। बस अब और नहीं, अब यहां से हम माता सीता को ढूंढकर ही जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, प्रभु श्री राम नाम की महिमा ही हमारा पथ प्रदर्शित करेगी, हमें कोई न कोई मार्ग अवश्य दिखाई देगा। जय श्री राम। ये गुफा देखा, यही है प्रभु श्री राम के नाम की महिमा। गुप्त गुफा का द्वार प्रदर्शित हो गया हमारे समक्ष। चलो देखते हैं वहां पर, कदाचित हमें वहीं से माता सीता के बारे में कोई संकेत प्राप्त हो। जय श्री राम।
इस घोर अंधकार के पार मुझे जो उजाला दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है कि वही एक छोटी सी आशा की किरण है। जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगी। किंतु हनुमान जी, इस सुरंग के उस पार कोई संकट भी तो हो सकता है। अंगद, संकट से जो भयभीत हो जाए वो योद्धा कैसा? इस सुरंग से निकलने वाले पक्षियों को नहीं देखा? कितने सुंदर, स्वस्थ और स्फूर्ति से भरे हुए थे। अर्थात? अर्थात ये युवराज कि इस सुरंग के भीतर अवश्य ही जल का स्रोत है, भोजन योग्य सामग्री जैसे फल वाले वृक्ष आदि हैं, जहां जाकर हम सब अपनी क्षुधा को शांत कर सकते हैं। जल पीकर प्यास बुझा सकते हैं। फिर नवीन ऊर्जा के साथ हम पुनः माता सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। हनुमान सत्य कह रहे हैं अंगद, भय हमें रोकता है पुत्र, किंतु आशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और जो आगे बढ़ता है विजय उसी की होती है। चलो साथियों, देखते हैं। प्रतीत हो रहा है जैसे कोई है भीतर। रुक जाओ सब। मुझे कुछ आभास हो रहा है, जैसे अंधकार में कोई छिपकर हमारे भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा है। हो सकता है ये हमें फंसाने के लिए किसी की चाल हो, किंतु भीतर जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प भी तो नहीं है। हाँ हनुमान जी, हम पीछे नहीं हट सकते अब, क्योंकि हर एक स्थान पर हमें सीता माँ को ढूंढना है। हाँ अंगद, हमें आगे तो बढ़ना ही होगा, किंतु उचित यही होगा कि हम पूर्णतया सावधान रहते हुए एक साथ आगे बढ़ें, जिससे कि यदि कोई हम पर आक्रमण करे तो हम संगठित शक्ति के साथ उसका सामना कर सके। युवराज अंगद, यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं यहां सबका नेतृत्व करूं? ये तो बहुत अच्छा होगा हनुमान जी, आपके नेतृत्व करने से आपके अनुभव और आपकी बुद्धिमत्ता का लाभ हम सबको होगा। आगे बढ़ो साथियों। सतर्क रहो, सजग रहो किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए।
सुरंग का द्वार तो स्वतः बंद हो गया। स्वतः बंद नहीं हुआ है, बंद किया गया है। हनुमान जी, आपकी आशंका सत्य थी, ये किसी की चाल है हमें फंसाने के लिए। जो भी हो, हमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पूर्ण सतर्कता और शीघ्रता के साथ सुरंग के दूसरे छोर की ओर बढ़ना होगा। हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलो साथियों। तो ये है पाषाण देहधारी मायावी दानव। ये तो भयानक दानव है, हमें जाना होगा यहां से। यहां भी दानव और इधर भी। यहाँ भी दानव, यहाँ भी दानव और इधर भी। भयभीत मत हो साथियों, हम इन दानवों का सामना सहजता से कर लेंगे। हमें शीघ्र यहाँ से निकलना होगा। चारों ओर दानव हैं। दानवों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। मुझे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर और भी दानव हैं। हो साथियों, किसी को कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर इन दानवों का सामना करेंगे। प्रभु श्री राम का नाम हमें इन दानवों पर विजय दिलाएगा। और हो सकता है हमें इसी गुफा से माता सीता को ढूंढने का कोई संकेत मिले। इस गुफा में प्रवेश संकेत है तुम सबकी मृत्यु का। सामना करो इन दानवों का। संकट का सामना करने से ही संकट पर विजय पाओगे। कोई नहीं भागेगा।
चुबानार, सामना करोगे हम पाषाण दानवों का? पाषाणों में पीस कर चटनी बना देंगे, खा जाएंगे हम पाषाण दानव तुम तुच्छवानरों को। मूर्ख दानव, ये तुच्छ वानर नहीं किष्किंधा के महाबली महापराक्रमी योद्धा हैं। प्रभु श्री राम के कार्य से निकले हैं हम सब, और प्रभु श्री राम का कार्य कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तो यही तुम्हारे साथ ही अंत कर देता हूँ तुम्हारे प्रभु के कार्य का। प्रभु श्री राम का कार्य कभी नहीं रुक सकता पाषाण बुद्धि दानव। लो पाषाण दानव, संभालो हनुमान का प्रहार। हनुमान जी की ही भांति टूट पड़ो इन पाषाण दानवों पर, इन पाषाणों को धूल बना दो वीरों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धूल में तो मैं तुम्हें मिलाऊंगा वानर। देखो ये अंगद का वार। अच्छा मेरे ऊपर से तो चुवाना। ये अंगद का पांव है जिसे हिलाने की शक्ति तुम में तो क्या पूरे संसार में किसी के पास नहीं है। दूर, तुम छू भी नहीं पाओगे नल को। आओ, आओ। अग्नि किसी के हाथ नहीं आती। अग्निपुत्र नील को पकड़ने का प्रयास व्यर्थ है मूर्ख दानव। पाषाण दानव, करो मुझ परवार, देखो कितनी शक्ति है तुम में। तुच्छवानर, दिखाता हूँ तुम्हें मेरी शक्ति। आ, 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 आ,
वानर, बहुत से ही मसल लूंगा मैं तुम्हें। पाषाण के दानवों आओ, तुम पाषाणों को तोड़कर चकनाचूर कर देंगे हम नल और नील। आओ। आओ, 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 आओ। हो गए चकनाचूर। गर्दन मरोड़ोगे तो मूर्ख दानव, अभी बताता हूं तुझे। पाषाण दानव तो नल और नील की ओर बढ़ रहे हैं, इन्हें रोकना होगा। हो गए सारे पाषाण दानव। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
प्रभु, प्रभु। क्षमा करें प्रभु, मैंने संपूर्ण उत्तर दिशा में ढूंढ लिया, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान तक जाकर देख लिया, किंतु मुझे माता सीता के बारे में कोई संकेत तक नहीं मिल पाया। बड़ा ही अभागा हूँ मैं जो प्रभु के किसी काम ना आ सका। ऐसा मत कहिए शबनम जी, मुझे तो प्रसन्नता हुई है कि आपने पूर्ण प्रयास किया है। कदापि अभी समय नहीं आया है शुभ समाचार का। प्रभु, अभी हमारे योद्धा तीन दिशाओं में और ढूंढ रहे हैं, उनमें से अवश्य ही कोई शुभ समाचार लेकर लौटेगा। इतना प्रयास हो रहा है, परिणाम अनुकूल ही होगा सुग्रीव जी। बस इस कार्य में किसी को कोई क्षति ना पहुंचे और ना ही किसी को कोई बाधा रोक पाए। अब ये क्या माया है, ये तो पुनः ठीक हो रहा है। आश्चर्य है, इनके टूटे हुए पाषाण तो पुनः जुड़ रहे हैं। इस प्रकार तो ये सब पुनः जीवित हो जाएंगे। अब क्या करें हनुमान जी, ये तो पुनः जीवित हो गए। इस प्रकार तो हम इनका अंत करते करते क्लांत हो जाएंगे और तब ये हम सबके लिए बड़ा संकट बन जाएंगे। इनको समाप्त करने का कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा। यही मैं भी सोच रहा था युवराज, मैं कुछ नवीन और कुछ पृथक सा करके देखता हूं।
युवराज अंगद, सभी वानर योद्धाओं को सुरंग के दूसरे छोर पर ले जाओ। हनुमान अकेले ही इन पाषाण दानवों का अंत करेगा। चलो साथियों, सुरंग के दूसरे छोर की ओर। तुम सब कहाँ चले? हनुमान से बच के नहीं जा पाओगे तुम सब। शीघ्र जाओ सोर। चलो इस पर्वत पर ये सुसज्जित गुफा। ये तो हम पर्वत के छोर पर आ गए। आगे दूसरे पर्वत पर जाने का कोई मार्ग नहीं है। हाँ युवराज अंगद, इस दहकते हुए लावे को पार करना तो बहुत कठिन है। अब क्या करें हम? यहाँ तो इतना स्थान भी नहीं है कि हम सब खड़े हो सकें। और पीछे से वो पाषाण दानव आ रहे हैं। वे तो इसी ओर आ रहे हैं। क्या करें हनुमान जी? युवराज, दृढ़ इच्छा हो तो मार्ग निकल ही आते हैं। तुम उपाय सोचो, मैं इन पाषाण दानवों को देखता हूं। मैं प्रभु श्री राम के कार्य को कदापि अवरुद्ध नहीं होने दूंगा। जय श्री राम।
इस लावा को लांग कर हम सब उस पर्वत के पार कैसे पहुंचेंगे? हम आप और कुछ वानर मित्र इस खाई को पार करने में भले ही सक्षम हुआ, किंतु हमें शेष वानर मित्रों के लिए भी कोई उपाय करना पड़ेगा। ये वृक्ष का सूखा तना ही हमें पहुंचाएगा उस ओर। ये तना इस लावा से भरी खाई पर सेतु का कार्य करेगा। आप लोग पर्वत पार करने की सोचिए, मैं इन्हें देखता हूं। चलो वीरो, सहायता करो युवराज अंगद की। हाँ हाँ हाँ, चलो। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे पैर के नीचे अब ये हिल भी नहीं सकता। चलो सब इस पर चढ़कर उस पार पहुंचो। हाँ युवराज अंगद। जी युवराज। चलो चलो सब। हनुमान जी आप भी शीघ्र चलिए। युवराज अंगद, चलो अंगद।
संभल के मित्रों, सावधानी पूर्वक ये आसमान से एक और आपदा आ गई। ये दानव तो उड़ रहे हैं। सावधान, वृक्ष के इस तने पर अपने अपने पांव की दृढ़ पकड़ स्थापित रखिए। बचिए साहब। ये कैसे भयंकर दानव हैं हनुमान जी, जो उड़ान भी भर सकते हैं। युवराज अंगद, मैं सबसे अंतिम में आता हूं। अंगद, तुम सबको लेकर जाओ। हनुमान के रहते किसी का कोई अहित नहीं हो सकता। सभी साथी ध्यान से चलिए। सावधानी पूर्वक संभाल के। युवराज अंगद, हमें तीव्र गति से आगे बढ़कर अपने दल की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। चलिए आप सभी शीघ्र आगे चलिए। करो वीरो। हनुमान! नल! नल संभलो! हनुमान, रक्षा कीजिए नल की। हनुमान, सहायता कीजिए। सखा! काज लघु तो हो सरल, काज बड़ो पर मांगे बल। महाबलशाली श्री बजरंग, तापे राम कृपा भी संग। राक्षस भारी है नभचारी, कप किंतु सब संहारी। पवन तनय तुम सबसे महान, वीर परम जय जय हनुमान। ये गाथा बाबा लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। Yeah.
हमारे पास अधिक समय नहीं है। उस कंदरा का मुख खोलकर वो पाषाण दानव किसी भी समय बाहर आ सकते हैं। युवराज अंगद, आप अन्य सभी को लेकर शीघ्र उस पार चले जाइए। इन दानवों का सामना हनुमान कर लेगा। मित्रों, शीघ्रता से आगे बढ़कर उस पार पहुंचिए। जी युवराज, संभल के। शीघ्रता करिए, आगे बढ़िए। अवरुद्ध करने वाली शिला को पाषाण दानव खंडित कर रहे हैं। शीघ्रता कीजिए, यह तना कभी भी गिर सकता है। दानव आ रहे हैं। शीघ्रता करो अंगद। युवराज अंगद, सहज रहिए, चिंता मत करिए, मैं कुछ उपाय करता हूं। संभलकर युवराज अंगद। शीघ्र करो हनुमान। युवराज संभलकर। संभलिए। अंगद संभलो। ध्यान से, अन्यथा गिर जाओगे। युवराज अंगद सावधान। अंगद। अंगद।
हनुमान रक्षा कीजिए। अंकल, अंकल! 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 हनुमान जी, अंगद, अंगद, हमारे अंगद को रक्षित कर लिया हनुमान ने, हमारे अंगद कुशल हैं। स्वकाज में शत्रु शक्ति ऐसी की बजरंग ने युक्ति अंगद के तुम प्राण बचाई अद्भुत बल बुद्धि तुम पाई। गंगा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान जय जय रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। धन्यवाद हनुमान जी। महाबली हनुमान की जय। महाबली हनुमान की जय। महाबली हनुमान की जय। अरे ये उड़ते दानव तो पुनः आ गए। ऐसा मनोरम वन तो मैं प्रथम बार देख रहा हूं मित्रों।
मूंगफली फल। यहाँ तो शहद भी है, ये तो मेरा प्रिय भोजन है। अब तो मेरी शुदा इसी से ही शांत होगी। रुक जाइए सब, हनुमान को कुछ उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। कहीं ये वृक्ष, जल धाराएं, फल आदि किसी नवीन संकट का संकेत तो नहीं? इतने समय के पश्चात स्वादिष्ट भोजन नेत्रों के समक्ष आया है, इसमें क्या अनुचित हो सकता है हनुमान जी? ऐसे सरस फल और कहां प्राप्त होंगे हनुमान जी? और ऐसे सुंदर जैसे अपनी कांति से हमें आमंत्रित कर रहे हो। आओ हमारा भोजन करो। हाँ हाँ सत्य है, ऐसे सरस फल मैं तो अब और प्रतीक्षा कर ही नहीं सकता। रुक जाइए आप सब, मेरी बात सुनिए। ऐसा मनमोहक दृश्य अवश्य ही कोई भ्रम जाल हो सकता है। तनिक विचार कीजिए, इतने परिपूर्ण वन का ऐसे निर्जन स्थान में स्वतः स्थित होना असंभव है। इसका कोई स्वामी अवश्य है, जो किसी प्रयोजन से ही नियमित रूप से इस वन का रखरखाव करता है। इसलिए इस वन के स्वामी की अनुमति लिए बिना ही हम कैसे? इसका स्वामी कोई भी हो हनुमान जी, युवराज अंगद की इच्छा को नहीं नकार सकता। जामंत मामा आप तो समझिए, अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होती। चलो, प्रभु श्री राम के कार्य से निकले हैं हम सब, और हमारा परम उद्देश्य सीता माता की खोज है। रुक जाइए, राम मनफल। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बहुत स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट फल। इतने सारे फल, इनमें से कौन सा खाऊं? इतने स्वादिष्ट। सरोवर का जल भी मीठा है। हाँ, जय श्री राम, राम राम। इतने दिनों के पश्चात स्वादिष्ट शहद, अभी चढ़कर इसका पान करता हूँ। बसरो चारों दिशा बस निर्जन, वानर पा गए पोषित उपवन। शांत क्षुधा तृष्णा करने को, दौड़े सब कपिरो के रुके को। अंगद जामवंत सब ही मगन है, पवन सुता बस राम लगन है। इत पसराए सारे वानर, उत हनुमत जपे राम निरंतर। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्या हो रहा है ये?
अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? प्रभु! प्रभु! ये लताएं तो झकड़ती जा रही है। इन लताओं से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं हम। प्रभु, ये क्या हो गया? लताएं माया भी हैं। रक्षा कीजिए प्रभु। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो। इन लताओं ने हमें जकड़ा। अरे ये क्या? लताओं में सब बंधे हुए हैं। मित्रों, अरे हनुमान जी, हनुमान जी, रक्षा कीजिए हनुमान जी। ये तो अंगद का स्वर है। हनुमान जी सहायता कीजिए। युवराज अंगद, हनुमान जी रक्षा कीजिए। आप जो भी हैं, मेरे मित्रों को छोड़ दीजिए। मैं उनका भक्षण आपको कदापि नहीं करने दूंगा। जय श्री राम। हनुमान जी, हनुमान जी। हनुमान के मित्रों को बंधक बनाने वाले कौन हैं आप? प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होइए, अन्यथा अपने मित्रों की रक्षा के लिए हनुमान इस वन के समस्त वृक्षों को उखाड़ने पर बाध्य हो जाएगा। जय श्री राम। देवी,
आप जो भी हैं, हनुमान का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो वत्स। वानर होने पर भी आपके इस शिष्टाचार पूर्ण आचरण की मैं सराहना करती हूँ, परंतु आप मेरे वृक्षों को क्षति क्यों पहुंचा रहे हैं? अपने मित्रों को संकट मुक्त करने के लिए देवी। परंतु वो तो इसी योग्य है, वो मेरी अनुमति के बिना मेरे वृक्षों के फलों को अपना आहार बना रहे थे, और अब दंड स्वरूप मेरे वृक्षों का उनको अपना भोजन बनाना सर्वथा उचित है। देवी, उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। 2 सप्ताह से भूख और प्यास से व्यथित यहाँ फलों को देखकर वो स्वयं को रोकने में असमर्थ हो गए। यदि ऐसा था तो आप उनके साथ सम्मिलित क्यों नहीं हुए? आप ऐसे प्रथम जीव हैं जिसने भूख और प्यास से इतना प्रताड़ित होने के पश्चात भी यहाँ के वृक्षों का एक फल तक नहीं चखा। देवी, मैं जब तक अपना कार्य पूर्ण कर लूं, मैं ना तो विश्राम करता हूं और ना ही भोजन। और इस बार तो मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान कार्य करने निकला हूं, अपने प्रभु श्री राम का कार्य, श्री राम का कार्य, श्री राम का कार्य। उसकी पूर्ति के पश्चात ही मैं कुछ ग्रहण करूंगा। क्या हुआ देवी, आप किस विचार में खो गईं? देवी, हमें विलंब हो रहा है, कृपया मेरे मित्रों को क्षमा कर हमें यहां से प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। देवी, अपने वृक्षों को आदेश दीजिए कि वो मेरे मित्रों को मुक्त कर दें। अंततः मेरी भेंट आपसे हो ही गई, रामदूत हनुमान। मैं कृतार्थ हुई। परंतु आप मेरे नाम से कैसे परिचित हैं? कौन हैं आप देवी? मैं स्वयं प्रभा हूँ हनुमान, इस स्थान की रक्षक, जिसका निर्माण बहुत समय पूर्व दानव मायासुर ने अपनी प्रियतमा अप्सरा हेमा के लिए किया था। इसीलिए ये स्थान उन्हीं देवी हेमा का है जिन्होंने मुझे यहाँ की रक्षा एवं रखरखाव के लिए नियुक्त किया है। मुझे अभी स्मरण हुआ, उन्होंने मुझे बताया था प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान, अर्थात आपका यहाँ आगमन होगा और तब मुझे आपकी सहायता करनी होगी। तब हनुमान की सहायता करने में विलंब मत कीजिए माता, मुझे अपने मित्रों के साथ यहाँ से सुरक्षित जाने दीजिए, जिससे हम रावण द्वारा अपहृत प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता को ढूंढ सकें। इसके लिए अब हमारे पास अधिक समय नहीं है। आपका दृढ़ निश्चय और कार्यनिष्ठ अत्यंत ही प्रशंसनीय है हनुमान, इसीलिए मैं आपके मित्रों को तत्काल ही मुक्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार देवी।
आप सभी कुशल तो हैं? हाँ भाई जी। मैंने आप सभी से कहा था ना कि इस उद्यान पर किसी का स्वामित्व है? ये वही है इस स्थान की रक्षक देवी स्वयं प्रभा। प्रणाम देवी। हमें क्षमा करें माता, हनुमान जी ने हमें रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु भूख और प्यास से पीड़ित हम शिष्टाचार की सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर बैठे। परंतु ये तो आपका सौभाग्य है कि हनुमान जी आपके साथ हैं। उनका अनुशासन, विचार क्षमता, सूझबूझ और शक्ति सदैव आपकी सहायता करेगी। हनुमान, मैं आपको आशीष देती हूँ, आप शीघ्र ही सीता माता को ढूंढने में सफल होंगे। धन्यवाद माता, आपके मुख से ये सुखद वचन सुनकर हनुमान धन्य हुआ। मैं भी आपके इस महान कार्य में छोटा सा भाग निभाने की इच्छुक हूँ। मैं आपको और आपके इस दल को ऐसे स्थान पर पहुँचा दूंगी जहाँ से आपकी शोध एक भिन्न स्तर पर पहुँच जाएगी और आप सीता माता के और समीप पहुँच जाएंगे। हमारा मार्गदर्शन कीजिए माता, हम प्रस्तुत हैं। ठीक है, आप सभी अपने नेत्र बंद कर लीजिए। जो आज्ञा माता। माता स्वयं प्रभा ने हमें कहां पहुंचा दिया? इसके आगे तो कोई मार्ग ही नहीं है। यहां तो मात्र अनंत सागर और उसका अथाह जल है। अब हम प्रभु का कार्य कैसे पूर्ण करेंगे? अब तो अधिक समय भी शेष नहीं है। माता स्वयं प्रभा ने हमें यहां भेजा है तो अवश्य उसका कोई कारण होगा। अवश्य यहीं से सीता माता तक पहुंचने का कोई मार्ग होगा। प्रतीत होता है कि उन तक पहुंचने के लिए हमें इस सागर को पार करना होगा। हम आप और कुछ वानर मित्र भले ही इस समुद्र को पार करने में सक्षम हो हनुमान जी, किंतु हमें शेष वानर मित्रों के लिए भी कोई उपाय सोचना होगा।
इतने सारे स्वस्थ वानर एक साथ, आहा, इतना भरपूर आहार भेजकर इस आहत पक्षी पर बहुत बड़ी कृपा की है कृपा निधान ने।